कनाडा सरकार एक बार फिर से भारत के सामने बेनकाब हो गया है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े मामले पर कनाडा को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। ट्रूडो सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर जो आरोप लगाए गए उससे जुड़ा कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। साथ ही ट्रूडो सरकार ने कहा कि इस बारे में उसे कोई भी जानकारी तक नहीं है। आपको बता दें कि कनाडा सरकार की तरफ से बयान तब आया जब ग्लोब एंड मेल नामक समाचार पत्र ने खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाए थे। हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी समर्थक और भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोपी था। उसकी हत्या जून 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में कर दी गई थी। मामले पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंसियों पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। इस बयान ने भारत और कनाडा के रिश्तों में काफी ज्यादा तनाव बढ़ा दिया था। वहीं भारत ने कनाडा द्वारा लगाए गए निज्जर की हत्या के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। भारत ने कहा था कि कनाडा ने अपने यहाँ खालिस्तानी गतिविधियों पर लगाम लगाने में असफलता दिखाई है। वहीं ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कनाडा के पास भारतीय अधिकारियों को आपराधिक गतिविधियों से जोड़ने वाले सबूत हैं। अखबार ने भारतीय पीएम समेत कई बड़े लोगों पर बिना सबूत आरोप लगाए। अब इस रिपोर्ट के बाद कनाडा सरकार ने सफाई दी है कि उनके पास ऐसे कोई सबूत नहीं है जो भारतीय अधिकारियों को सीधे तौर पर इस मामले में दोषी ठहराते हो। आपको बता दें कि ट्रूडो के भारत के खिलाफ दिए गए बयान के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को निलंबित कर दिया और राजनयिक गतिविधियों में कटौती की। इसका असर दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापारिक समझौते पर भी पड़ा। वहीं जब भारत सरकार ने कनाडा सरकार को फटकार लगाई तब जाकर जस्टिन ट्रूडो की अकल ठिकाने पर आई और वो फिर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी या भारत सरकार के खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जो ये प्रूफ करे कि निज्जर हत्या में भारत सरकार या भारत के कोई दिग्गज नेता इसमें शामिल है। आपको बता दें कि जब से कनाडा सरकार ने भारत पर यह आरोप लगाए हैं तब से भारत और कनाडा के बीच के रिश्तों में काफी ज्यादा तनातनी देखने को मिली और इसके बाद से लगातार रिश्ते खराब होते चले गए। लेकिन अब एक बार फिर से भारत सरकार ने जस्टिन ट्रूडो सरकार को फटकार लगाई। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो सरकार के होश ठिकाने लग गए और उन्होंने साफ कहा है कि पीएम मोदी या भारत सरकार के खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जो ये साबित करे कि हरदीप सिंह निज्जर के मामले में भारत सरकार या भारत सरकार के कोई मंत्री या नेता इसमें शामिल है। वहीं यहाँ गौर करने वाली बात है कि कनाडा सरकार के स्पष्टीकरण से अब ये साफ हो गया है कि ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है, यानी कि ये आरोप बिल्कुल और बिल्कुल झूठ है, गलत है, फर्जी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।